हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी घी पे। घी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और ये हमारे भारतीय घरों में बहुत ही ज़्यादा यूज भी किया जाता है। आज मैं घी का कुछ अलग से यूज बताऊंगी। अपने इस वीडियो में बता रही हूँ हेल्थ से थोड़ा सा हट के कुछ बेनिफिट्स। ये स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसमें मैंने बेसन और घी को मिला के थोड़ा सा मिल्क के साथ उसको मिला के फेस पे अप्लाई किया है और 10 मिनट इसको ऐसे रखने के बाद ठंडे पानी से धुल लिया है। और ये रिज़ल्ट देखिए कितना बढ़िया स्किन हो जाता है। अगर आपको मॉइस्चर को लॉक करके रखना है अपनी स्किन में सर्दियों में, तो इसको ज़रूर यूज करिए। और सेकंड है, हेयर पैक भी मैंने बनाया है इसका। तो आप ऑयलिंग करते हैं, जो भी ऑयल से करते हैं उसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर दीजिए। और उसके साथ साथ टी ट्री ऑयल डाला है मैंने। आप चाहें तो नींबू भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने डाला है एलोवेरा जेल। आप सिंपली भी इसको बालों में अप्लाई करिए अगर आपको महक से थोड़ा सा एलर्जी नहीं है तो। और फिर जैसे हम तेल को लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, वैसे हम इसको अप्लाई कर लेंगे और इसे रख देंगे लगभग 2 घंटे के लिए। और रिज़ल्ट जान के आप चौंक जाएंगे, सच बोल रही हूँ, आप करके देखिए। और उसके स्किन और हेयर्स को सुंदर बनाने के बाद मैं जा रही हूँ पिकनिक। और उसके लिए मैंने बनाया होममेड केक और ढोकला। मेरी सारी फ्रेंड्स अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लेके आ रही हैं और वो हम पिकनिक में जाके एंजॉय करने वाले हैं। हम सब पहुंच चुके हैं और वन बाय वन डिलीशियस डिशेस को एंजॉय कर रहे हैं। और सभी अपने अपने घरों से बहुत ही टेस्टी खाना बना के लाए थे, कुछ स्टार्टर्स, कुछ मेन कोर्स। और हम सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। बच्चों के भी फ्रेंड्स मिल गए थे तो बच्चों ने भी खूब सारी मस्ती की। हम लोग पिकनिक मनाने आए हैं जुबली पार्क में, जो जमशेद जी की याद में बनाया गया था और ये बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं होता है कि शादी के बाद हमेशा हम हस्बैंड के साथ ही टंगे रहें, उन्हीं के साथ जाना आना, उन्हीं के साथ में हमेशा रहना, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपना सर्कल, अपना ग्रुप बना के रखना चाहिए और हमें अपना मी टाइम एंजॉय करना चाहिए। शादी के बाद भी हम एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हैं और हमारा अपना भी एग्जिस्टेंस है। और आप देखेंगे कि आप जितना स्पेस देंगे उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। हम एक दूसरे की केयर भी करेंगे और बंदिश सी महसूस नहीं होगी। कभी कभी हमें लगता है कि हम अपने पार्टनर का बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो हमें भी एक बंधन सा फील होने लगता है। तो इसलिए सबको थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए होता है, वाइफ को भी, हस्बैंड को भी, और अपना मी टाइम अपने ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहिए। तो कुछ ऐसा बीता मेरा आज का ये दिन। और आपको पसंद आया हो तो जल्दी से एक लाइक करिए, नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।